पेट्स की वन मंथ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेलियो के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया। रिसेंटली इन विच कंट्री हैज अ थर्ड फेज ट्रायल ऑफ डेंगू वैक्सीन टेंगुलेट में स्टार्टेड, रशिया ने, इंडिया ने, जापान ने या फिर नेपाल ने। तो डेंगू वैक्सीन का जो डेलियो का तीसरे चरण का प्रशिक्षण है वो स्टार्ट कर दिया है भारत में, यानी कि इंडिया में बिल्कुल थोड़ा तेज़ी से फैल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने वाला है, हाल ही में विभाजन दिवस का स्मृति दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज पार्शल मेमोरी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, किसके द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। कब किया गया था, 14 अगस्त को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका होने वाला है, हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। यानी कि सबको पता था DRDO ने क्या किया है, जो उनका परीक्षण था वो सफल हो गया, लेकिन उन्होंने कहाँ किया था ये बहुत लोगों को नहीं पता था। तो अभी देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, कर्नाटका में, मिजोरम में, उत्तराखंड में या फिर उड़ीसा में। आपको क्या लगता है कहाँ पर किया होगा एंड आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा। इससे आपको ज़रूर पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा पानी में हो, कितने ऊपर में हो। तो ये परीक्षण किया गया था उड़ीसा में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रहने वाला है, हाल ही में भारत और किस देश ने MSME सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन MOU टू इंक्रीज MSME कॉरपोरेशन, चाइनीज, फ्रांस, अमेरिका या फिर भारत। भारत भारत से क्यों करेगा, सिंपल है। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन रहने वाला है, मे बी अमेरिका, लेट्स सी, ओह अमेरिका ने। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रहने वाला है, हाल ही में IIT गांधीनगर में की IIT के साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है, किसने। रिसेंटली IIT गांधीनगर हैज़ लॉन्च सी नर्मदा इन कोलाब्रेशन विथ दैट IIT। किस IIT से, कानपुर वाले से, बम्बई वाले से, खगरपुर वाले से या फिर इंदौर वाले से। मे बी इसका हो सकता है खगरपुर, ओह आई एम रॉन्ग, इसका होगा इंदौर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। विश शौर्य चक्र हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वी डेसमोंड कीन, संजय दत्त, मनोज मित्तल, पी चंद्रवन। शायद मे बी फर्स्ट हो, लेकिन पता नहीं है, देखते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही है, वी डेसमोंड कीन से। तो आपको सारे याद रखने हैं, साथ ही साथ याद करने की भी कोशिश करें। हाल ही में कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत की रिप्रेजेंट करने वाला है। रिसेंटली हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन मिस टीन ग्लोबल 2025, मरियांदी टे, विधि दीक्षित, सीमा शुक्ला या फिर भूमि मिश्रा। तो कौन हो सकता है, देखते हैं। तो इसमें है मरियांदी टे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने वाला है करंट अफेयर्स, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जारिफ ने इस्तीफा दिया। कि तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा किसने दिया है। विच कंट्री वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जावेद जारिफ हैज़ रिसेंटली अलाइंस्ड, उन्होंने अपने काम करने के मतलब शपथ ओथ लेने के कुछ दिन बाद ही रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि यार नहीं पता, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो वो उपराष्ट्रपति कहाँ के थे, तो वो थे ईरान के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने वाला है, पानी में किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द एंशियंट रत्नागिरी रॉक एट अ प्रोटेक्ट मोनूमेंट इन वाटर। आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो किसने प्रोटेक्ट रखा है और उसको घोषित कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने वाला है, हाल ही में किसने अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च अमृत कोयन कोश एंड संकाय विकास पोर्टल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो दूर दूर तक नहीं है, राहुल गांधी भी दूर दूर तक नहीं है। तो इन दोनों में से कौन होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। देख लेते हैं आंसर ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से देख लो, चाहे ऐसे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, या फिर डेली करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है एक तरीके से, तो आपको बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, बस इतना चाहिए, ज़्यादा नहीं। थैंक यू।